दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बारूद बेट का रिव्यू। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने बारूद बेट का ऑर्डर इससे पहले भी किया था मैसेज से, जो हमारा बेट नहीं आया था, टूटा हुआ बेट आया था। हमने हौसला नहीं हारे, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतर जानकारी के लिए बारूद बेट को हमने लाया फिर से, अमेजन से ऑर्डर किए थे इस बार। तो ये है मेरे हाथ में वो बेट, इसका पूरा फुल रिव्यू करेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए अभी जो मौसम कैसा है, फिर भी हम आपके लिए ये जो बेट का रिव्यू कर रहे हैं, हमारे इस हौसले के लिए एक सपोर्ट तो बनता है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा मेहनत थोड़ा बहुत हमारे लिए भी रंग लाए, और ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको ओपन करना। देखिए ये इस कवर के साथ आया था, यहाँ पे इस कवर पे भी लिखा गया है बारूद बैट। तो जो पिछले बार इसका जो स्टोरी मैं बता देता हूँ, जो हमने मेसो से ऑर्डर किया था जिसका प्राइस था 1084 रुपया, तो उसमें बैट नहीं आया था। अगर आप हमारे चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पे इसका रिव्यू कर रहे थे, तो वहाँ पे वो पुराना बैट आया था, टूटा फूटा बैट आया था। तो उसके बाद हमने फिर से सोचा कि नहीं, ये बैट हम लाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके मन में भी होगा कि बारूद बैट कैसा है तो देखते हैं। तो इसलिए हमने फिर से दोबारा इससे अमेजन से इसको ऑर्डर किया था। अमेजन में इसका जो प्राइस है वो 1299 रुपया है, करीबन 1300 रुपया है, तो ये ज्यादा है अमेजन में, और मैसो में थोड़ा कम है। फिर भी हमने इसको मैसो से ना करते हुए अमेजन से ही इसको ऑर्डर किया। तो ये है बैट, हाँ, तो इसको हम ओपन करते हैं अभी आपके सामने। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये है वो बैट, देखिए दोस्तों ये पॉपुलर विलो का बैट है। तो ये देखिए, तो इसका जो ब्लेड भी कितना पतला है देखिए। तो ये हमारा जो सॉफ्ट टेनिस बॉल, इसमें बेहतर होगा खेलने के लिए, और इसके साथ जो हमारा जो रबर बॉल होता है वो भी इसमें खेलना अच्छा होगा। तो इसका लुक भी दोबारा देख लीजिए, ये जेन्युइन ये जो बैट है ना, ये थोड़ा लंबा किस्म का है, ये जैसे कि ब्लैक मांबा टाइप जो वैसा ही बैट है। लेकिन ब्लैक मांबा में क्या था ना, ये नीचे वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मोटा था, लेकिन इसमें ज़्यादा मोटा नहीं है, ये अच्छा है उससे। तो ये बैट आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लैक मांबा से अच्छा है बैट है। तो इधर बारूद लिखा गया है, रेडी टू प्ले, इसका जो लोगो भी ऐसा है, और इसका जो एजेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए कितना एजेस है, और इसका हैंडल भी ठीक ठाक है, और ये देखिए बेल का हैंडल है, लकड़ी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है इस हैंडल में। तो इसका हैंडल जो है ये मीडियम रेंज का हैंडल है, और इसका वेट जो है, इसका सारा वेट ये नीचे की तरफ है, ये टू एंड की तरफ है, और इसका वेट करीबन 1100 से 1200 ग्राम होगा लगता है। थोड़ा नॉर्मल वेट से थोड़ा हैवी वेट है इसका, और इसका जो हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है, हमारे जो रेगुलर जो खेलते हैं इससे थोड़ा हाइट ज़्यादा है, इसलिए इसमें आप खड़े होकर शॉट खेलेंगे। तो दोस्तों एक खामी इस बैट में मुझे नज़र आया, क्योंकि इसको बैट को पूरा ब्लैक पेंट से पेंट किया गया है, तो ये कौन सी लकड़ी से ये बैट बनाया गया है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह ब्लैक पेंट से पेंट किया गया है। अगर इसके अंदर भी कोई डेंट वगैरह या कहीं से भी फटाया होगा तो ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत गाढ़ा कलर होता है। तो ये पूरी तरह अगर कहीं पे फटा होगा ना, वो उसके अंदर भी ये ब्लैक कलर घुस गया होगा, और वो चीज़ दिखाई नहीं देगा आसानी से। तो ये बस एक ही बुरा चीज़ है इस बैट के बारे में, नहीं तो बनना ये बैट बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत पहली नज़र में ये बैट बहुत अच्छा लगा। तो अगर इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैसो में इसका जो प्राइस है 1084 और अमेजन में इसका प्राइस 1300 रुपया है, तो पॉपुलर विलो बैट को इतने प्राइस में अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो ये अच्छा बाय होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये बैट को दोबारा देख लीजिए, तो एक अच्छी क्वालिटी का बैट है, इसका टेस्टिंग भी हम आगे की एक वीडियो में डालेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर ये जानकारी आप लोगों को बेटर लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के सर्कल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फिर से कहूँगा कि आप हमें सपोर्ट करते करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।